बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। सच मेरे भाई बहन, फिर देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक दस तरफ सुदर्शन चक्र को लगाया है, एक तरफ अगस्त बाबा को बैठाया है और बलदाऊ दादा को कहा है कि ऐसी मेड़ बनाइए कि पानी अंदर ना आ सके। इंद्र ने हाथी के सूंड जैसी वर्षा की है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ब्रज को डुबा नहीं पाया। जब वर्षामृतक के नामक गणों का जो जल था वो समाप्त हो गया, दौड़े दौड़े पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, अब भी उनका पूछने और ले चलो। कहां से ले जाएं, जल है ही नहीं। फिर कह दिया मोटर चलाओ, फिर कहता पावर नहीं है। क्यों? कहते पावर हाउस से कनेक्शन कट चुका, इसलिए लाइट आएगी तो मोटर चलेगी और मोटर चलेगी तो पानी आएगा, इसलिए खाली है सब कुछ। जाओ उनको तबाही मचा दो, जाएं कहां से, कुछ है तो नहीं, हाथ पले तब होगा, तब तो कुछ करेंगे, खाली है वहां सब। इंद्र ने आकर के देखा तो महाराज वहां तो धूल उड़ रही थी। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, ये सोचकर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, अरे काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हजार। इसलिए बगैर विचारे कुछ नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन। इंद्र पछता रहा है और इधर इंद्र इतना शर्मा गया, अब क्या करूं, अब कैसे जाऊं उसके सामने। तब अपने गुरुदेव की शरण में गए। इसलिए बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिला, जाकर के गुरुदेव के चरणों में गिरे और कहने लगे गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा गलती हो गई तो माफी मांग लो जाकर के, कैसे जाऊं सामने, किस मुंह से जाऊं। गुरुदेव ने कहा देखो यदि गलती हो जाए तो उपाय है क्या, जिसका सामने वाला इज्जत करता हो, जिसकी सामने वाला इज्जत करता हो उस व्यक्ति को साथ ले जाओ और जब उससे बतियाने लगे तो आप माफी मांग लेना। तो कहने लगे वो किसकी इज्जत करता है, किसके सामने पानी पानी हो जाता है मेरे ठाकुर।
देवगुरु बृहस्पति ने बता दिया गाय के सामने, तुम्हारे देवता हैं भगवान और भगवान के देवता है गाय। और जहां गायें आ जाती है वहां कोई कमी नहीं रहती मेरे भाई। इसलिए ऐसे तो कहूंगा कि जो गायें रखने लायक हैं उनको रखना चाहिए, और यदि नहीं रखने लायक हैं तो एक गाय का भार कहीं गौशाला में उठा लें। जैसे रोड के ऊपर ये गायें घूमती हैं, घूमेंगी नहीं यदि व्यक्ति के मन में ये बात आ जाए तो। इसलिए इंद्र ने आज ऐसा ही किया है, क्या गाय की पूंछ पकड़ के गया है इंद्र। और जो ही मेरे गोपाल ने गाय को हाथते हुए देखा, गोवर्धन को रख दिया और दौड़ करके अपनी गैया से लिपट गए। मेरे भाई मैया तुम आ गई, आई नहीं हूं तो साथ में एक और लेके आई। कौन? इशारा के अरिंदर लेट गया चरणों में, ठाकुर मुझे माफ कर दो क्योंकि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरज तमस्कम मायामयोयम गुणश्म प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे ठाकुर, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे सात्व कुल के अधिपति, हे सात्व स्वरूप के अधिष्ठाता, हे सत्व गुणों को धारण करने वाले मेरे ठाकुर, ये तमो गुण से भरा हुआ शरीर आपकी क्या बराबरी कर सकता है। और आप तो कृपा की मूर्ति हो मेरे ठाकुर, दीन बंधु हो आप तो, सबके माई बाप हो ठाकुर आप। इसलिए मानता हूं मुझसे गलती होगी, मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पा। अरे क्या भ्रो को क्या विष्णु का घट गया, जो भ्रगो ने मारी। इसलिए मुझे माफ कर दो ठाकुर। मेरे ठाकुर ने कहा मघवन, मैंने ये लीला आपको मारने के लिए नहीं की है, तो आपका अभिमान तोड़ने के लिए। इसलिए जो जिसकी ड्यूटी दी जाए अपनी ड्यूटी को निभाइए। हे दुनिया वालों, तुम्हें भी गृहस्थी की ड्यूटी करने के लिए भेजा है, बेटा बेटी की देखरेख करने के लिए भेजा है, उनके योग्य बनाकर एक अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए भेजा है, उस बेटा बेटी में फंसने के लिए नहीं भेजा है। इस घर दुकान मकान के ऊपर कब्जा करने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। यदि ऐसा तुम करोगे तो वो दंडधारी मेरा ठाकुर जब देवताओं को नहीं बकसता तो तुम्हारी तो औकात क्या। इसलिए सावधान, ड्यूटी करिए अपनी, बेटा बेटी का पालन पोषण करना तुम्हारी ड्यूटी, घर की साफ सफाई तेरी रजा है। सुखी रखे तो भी वाह है और दुखी रखे तो भी वाह है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। इसलिए इंद्र ने माफी मांगी है, इसलिए इंद्र ने गोवंश को बर्बाद करने के लिए और ब्रजवासियों के बर्बाद करने के लिए ये रूप लिया था, लेकिन यहाँ गायों की भी रक्षा की है मेरे गोविंद ने, ब्रजवासियों को भी बचाया है। इसलिए मेरे ठाकुर का एक नाम पढ़ा आज गोविंद। क्या नाम पढ़ा बोलो तो? गावह विंदति रक्षति इति गोविंद। उसके बाद इंद्र को माफ किया मेरे ठाकुर ने, इंद्र चले गए। उसके बाद वरुण लोक की लीला है। एक बार मंझला एकादशी को
बाबा जाते थे यमुना स्नान करने, लेकिन टाइम का ध्यान नहीं रहा, 12 बजे ही उठ खड़े हुए। जाते थे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन आँख खुल गई, सोचा 4 बज गए होंगे, घड़ी वड़ी देखी नहीं, तो अपना चल पड़े यमुना स्नान करने। और 12 बजे ही घुस गए यमुना में, लेकिन वरुण के दूत घूमते थे, सावधान भाई, जब तुम्हारी घर गृहस्थी का कोई टाइम होता है तो वहाँ का भी कोई टाइम होता है, कि जब जाओ गंगा जी में घुस जाओ और जब जाओ यमुना जी में घुस जाओ, ये कोई तुम्हारा तरीका नहीं है, नहीं, वहाँ के नियम हैं। इसलिए वरुण देवता के दूत घूम रहे थे वहाँ, बाबा ने जो ही डुबकी लगाई ले गई पकड़ के। अब सुबह के 8 बजने को आई, माँ तो ने तो 2 बार नींदिया भी आ गई, उठ भी ली, घर का काम भी कर लिया, लेकिन नंद बाबा आए ही नहीं। इसलिए कन्हैया को और बलदाऊ को बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या बेटा, तुम्हारे बाबा तो यूँ जाते थे स्नान करके, यूँ वापस आ जाते थे, आकर के अपना भजन बंदगी करते थे, घर के काम में लग जाते थे, आज तो बहुत देर होगी गए हुए, मैंने घर का काम भी कर लिया, सो भी ली, फिर दोबारा उठ गई, हाँ, और इतना दिन चढ़ाया बेटा, अभी तक तुम्हारे बाबा नहीं आए, जाओ देख करके आओ। दोनों भाई चले हैं वहाँ से, और ज्यों ही चले देखा तो यमुना मैया के किनारे कपड़े तो हैं लेकिन बाबा नहीं। कभी उधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे, चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिले। कन्हैया ने सोचा बाबा गए कहाँ, और ज्यों ही आँख बंद करके देखा तो बाबा तो बंदे पड़े हैं वरुण लोक में। सारे ग्वाल वाल भी इकट्ठे हो गए, ब्रजवासी भी इकट्ठे, बाबा गए कहाँ। कन्हैया ने कहा मुझे पता है बाबा कहाँ गए, इन सोच मत करो, हम लेके आ रहे, चिल्लाना मत, हम थोड़ी देर में आ रहे। कपड़े निकाले, कन्हैया ने भी लगाई छलांग यमुना में, और लगाते सीधे वरुण लोक। और जानते हो भाई, 2 भुज तो केवल ठाकुर मृत्यु लोक में ही होते हैं, हर लोक में चतुर्भुज रूप ही होता है मेरे ठाकुर का। अब महाराज जो ही वरुण लोक गए, तो जाते ही महाराज सारे जितने पार्षद थे ठाकुर को देख करके एकदम खुशी की लहर आ गई, और कहने लगे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। महाराज लगे आरती उतारने, और जा करके सिंहासन पर बैठाया, और गोविंद ने कहा भैया ये तुमने क्या किया, मेरे पिताजी को ले आए आप लोग। वरुण देवता ने कहा ठाकुर भूल हो गई, और थोड़ा सा लालच भी हो गया, क्या जब ले तो आए अब छोड़ना है क्या है? क्यों? क्योंकि ठाकुर लेने आएगा, और इस बहाने बहुत वर्ष हो गए दीदार भी नहीं किया है, इस बहाने उनका दीदार भी हो जाएगा, इसलिए छोड़ा हमने भी नहीं, इसलिए माफ़ करना ठाकुर। बस ये लालच हो गया कि मेरे ठाकुर का दीदार हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं छोड़ा। और ये कहकर भाई हमें जल्दी जाने दो, क्योंकि वो ब्रिजवासी इंतजार कर रहे हैं, रो रहे होंगे वो। इतने में संकल्प किया ठाकुर एक ही बार में वहाँ आ गए, और ज्यों ही कन्हैया को देखा और नंद बाबा को देखा तो खुशी की लहर छा गई। महाराज जो ही बाहर निकले, बाहर निकलते ही ब्रिजवासियों ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया, पटका पकड़ लिया, और कहा बाबा बाबा जल्दी बताओ तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे तुम? कहा बेटा क्या बताऊँ, बड़ा दिव्य लोक था वो, मेरे को तो लगता है शायद वैकुंठ था, उसको क्या पता कि ये वरुण लोक था कि वैकुंठ था, उसको तो वरुण लोक ही वैकुंठ दिखाई दे रहा। इसलिए महाराज बाबा का तो दिया छोड़, और कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, क्या बाबा बाबा ही तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे नहीं हैं भैया, हाँ? इसलिए सारे ग्वाल बाल रूठ के खड़े हो गए, क्या कि हमें भी वैकुंठ दिखाओ। कहा भैया कोई वैकुंठ वैकुंठ नहीं गया। कन्हैया रे तुम बड़ी झूठ बोलते हो, जाओ
यदि आपने हमें वैकुंठ नहीं दिखाया तो आज से हमारी और आपकी कुट्टी, ना तेरे साथ गइयों में जाएं, ना तेरे साथ खेलें, हाँ ना तुमसे बोलें, ना तेरे कहने पर खाएं पिए, कोई काम हम तेरे साथ नहीं करेंगे, आज से हमारी आपकी बोलचाल बंद। और सारे ये कह करके बंद हो गए। लेकिन वाह रे मेरे गोविंद, अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, 5 मिनट नहीं रह पाए। और कहने लगे ब्रजवासियों, मैं एक बार वैकुंठ के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, जो तुम चाहते हो मैं सो ही कर दूँगा। आंखों में आंसू भर लिए मेरे ठाकुर ने, और आंखों में आंसू भर के बिल्कुल ये उक्ति सार्थक कर दी, भक्त को भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, भक्त को भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, भक्त और भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, भक्त और भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, सच्ची धारणा से प्रहलाद ने ध्याया था, सच्ची धारणा से प्रहलाद ने ध्याया था, खंभे से नरसिंह का दर्शन पाया था, खंभे से नरसिंह का दर्शन पाया था, जिसका सहारा मेरा ठाकुर होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, जिसका सहारा मेरा ठाकुर होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, भक्त और भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, भक्त और भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, भक्त की बात कभी नहीं टाल सकते क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव, वो अपने भक्त के अधीन होता है मेरे भाई। ना हम मसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद, अपने भक्त के सारे काम कर रही है। पता नहीं भी नंद बाबा को वैकुंठ दिखाया था कि नहीं दिखाया था, लेकिन ग्वाल बालों को जरूर दिखा दिया। लेकिन महाराज यहाँ का रंग ढंग, उसको घोड़ा बना लेते हैं, हाँ उसको गाली सुना देते हैं। आप कहकर तो ब्रिजवासियों ने भगवान को कभी पुकारा ही नहीं, ज़्यादा ही रज्जू हो गए तो तुम कहकर के पुकारा, नहीं तो तू ही बोल देते। तो क्या बन गया भैया, हाँ
दो चार गैया ही ज्यादा होंगी, हाँ, इसलिए अपने आप की अकड़ दिखाता है। बोलो तुमने दिखाना कि नहीं दिखाना, भगवान का दिखाना। वाह रे, अरे भाई सीधी सीधी भाषा में बात कहूँ तो दूध वाले की तो लात भी अच्छी लगती है, है ना, है ना? जो बेटा बेटी पैसे कमाने लग गया तो उसकी डांट भी माँ बाप सहन कर लेते, है ना? इसलिए वरुण लोक का दीदार करवाया और उसके बाद कामदेव के अभिमान को तोड़ा मेरे ठाकुर। कामदेव ने ब्रह्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर विजय प्राप्त की, लेकिन अब फाइनल कुश्ती बची है, एक देवता बचा है, काश उससे मुलाकात हो जाए और उसके साथ कुश्ती हो जाए। उसको यदि मैंने हरा दिया तो दुनिया का भगवान मैं। और इंसान को जब सफलता मिलने लगती है महाराज, एक बच्चे का किसी में मेरिट में यदि एक बार आ गया नाम और कहीं अखबार में आ गया तो उस कटिंग को लेकर के घूमता रहता है, एक आध की तो ऐसी आदत बन जाती, देखना फोटो आ गया। और फिर वो कटिंग लेने के बावजूद फिर दोबारा कभी मेरिट में नहीं आता। अरे एक बार तुमने कोई काम कर दिया, तुमने पहाड़ तोड़ दिया क्या? नहीं, उसका अभिमान मत करना, उसको सहजता और सरलता से लेना मेरे भाई, ये कृपा है भगवान की, उसने सब कुछ दिया है मुझे। इसलिए मेरे भाई बहन, कामदेव को इतना बड़ा अभिमान हो गया कि बस मैं ही हूं दुनिया में और कोई नहीं। इसलिए आकाश मार्ग से जा रहे थे, उधर से देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। देव ऋषि नारद ने सोचा भैया दुष्ट आ गया है, इससे अच्छा राह बदल लेना ठीक है। यहां तक कह दिया शास्त्र ने तो कि दुष्ट का संग भला नहीं, नरक का वास भला। बरु भलता तो नरक कर वास, लेकिन दुष्ट संग जनि दे विधाता। क्योंकि नरक में गिरने से पाप कटेंगे और दुष्ट का संग करने से पाप बढ़ेंगे। इसलिए यदि ऐसा हो तो रास्ता बदल जाओ भैया, खुद तो गिरा ही हुआ है, तुम्हें भी गिराएगा। इसलिए आज देव ऋषि नारद ने रास्ता बदलना चाहा, और जो ही रास्ता बदला कामदेव ने देख लिया कि बाबा जी ने रास्ता बदल लिया, इसलिए आवाज लगाई, अरे ओ देव ऋषि नारद कहां जा रहे हो? अब डर के आगे भूत नाचे महाराज, टेढ़े बच्चों से तो माँ बाप को भी डर लगता है कि नहीं जाने या मुंह से क्या निकाल देगा। हाँ, इसलिए रुक गए देव ऋषि नारद, कहिए कामदेव। कहा सुखी तुम्बड़ी बजानी आती है कि लड़ना झगड़ना भी जानता? नारद ने कहा भैया श्री बन नारायण नारायण नारायण, श्री बन नारायण नारायण नारायण, श्री बन नारायण नारायण नारायण, श्री बन नारायण नारायण नारायण। आओ नारायण के बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरे से, लड़ना झगड़ना जानता है? नारद ने तो फिर कह दिया श्री बन नारायण नारायण नारायण, श्री बन नारायण नारायण नारायण। पकड़ी नारद की टुमड़ी, एक तरफ फेंक दी, नारायण के बच्चे मैं कह रहा हूं लड़ना झगड़ना जानता है? कहा भैया सो कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता। कहा मेरे साथ लड़ना पड़ेगा क्योंकि बाजू में खुजली मची हुई है और मूरख से यदि पल्ला पड़ जाए तो चुप भली, या कोई न कोई युक्ति निकाल लो भाई। इसलिए देव ऋषि नारद ने युक्ति निकाल दी, कहा यदि लड़ने वाला बता दूं तो? कि हाँ तेरे को फिर छोड़ दे। कहा यहां से सीधे चले जाओ, कहाँ? ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र में भी सीधे चले जाना,
वृंदावन, और वृंदावन में भी सीधे चले जाना नंद बाबा के महल में। वहाँ एक काला कलूटा रहता है, नाम है कृष्ण। सारे वृंदावनवासी कहते कान्हा, इसलिए जाओ, यदि कहीं उसने तेरे से हाथ मिला लिया कामदेव, तेरी ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी कि जिंदगी में कभी खुजली होगी नहीं तेरे को, इसलिए जाओ। कहा सुनो देव ऋषि, यदि ऐसा नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं मिला, कि सुनो 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 सुनो, चलो नंदाले में नहीं मिले तो सीधा यमुना के तट पे चले जाना। हाँ, और सबसे बड़ी निशानी बता दूं, वो तीन जगह से टेढ़ा है, और उससे भी बड़ी निशानी बता दूं, उसके होठों के ऊपर बंसी लगी होगी और ऐसी बजा रहा होगा कि गायें ग्वाल बाल पक्षी भी स्तब्ध होंगे उसको सुन। और वहां से चला कामदेव और पहुंचा सीधा नंदालय में, लेकिन नंदालय में नहीं मिला कृष्ण, था यमुना के तट पे। और जो ही यमुना के तट पर पहुंचा, मेरे भाई बहन, बस देखा उस त्रिभंग ललित छवि को, उस सांवले सलोने स्वरूप को, और जो ही देखा उसमें क्या रंगत थी, वो कामदेव की समाधि लगी वहां खड़े खड़े उस बंसी को सुनकर, ऐसी प्यारी बंसी बजी थी वहां, कामदेव के होश उड़ गए, जैसे गोपियों की नींद उड़ गई थी ना, ऐसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया ना आई सारी रात मोहे, निंदिया ना आई सारी रात, ऐसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया ना आई सारी रात मोहे, निंदिया ना आई सारी रात, हरे बांसु की बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो, हरे बांसु की बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो, ओ हरे बांसुरी बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो, हरे बांसुरी बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो, शुद्ध बुद्ध भूली तने और मन की ऐसो जादू कीनो, शुद्ध बुद्ध भूली तन और मन की ऐसो जादू कीनो, ओरी गुजरिया परसाने की, ओरी गुजरिया परसाने की, कोई सुने ना मेरी बात सजनी, निंदिया ना आई सारी रात, ऐसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया ना आई सारी रात मोहे, निंदिया ना आई सारी रात, जल भरने में यमुना के तट एक दिन गई अकेली, ओ जल भरने में यमुना के तट एक दिन गई अकेली,
मार लकुट मेरी कागर फोड़ी कीनी बहुत ठिठोली हो मार्ग में मिल करो नंद लाला कीनी बहुत ठिठोली हो मार्ग में मिल करो नंद लाला कीनी बहुत ठिठोली हो मार्ग में मिल करो नंद लाला कीनी बहुत ठिठोली मार बहुत उत्पात सजनी निंदिया ना पाई सारी रात कैसी बजाई तूने बांसुरी निंदिया ना आई सारी रात मोहे निंदिया ना आई सारी कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे हो बैठ कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे ब्रज गोपिन के घर में कान्हा चोर चोर दिखावे हो ब्रज गोपिन के घर में कान्हा चोर चोरी तो दिखावे देख सुरतिया मन मोहन की देख सुरतिया मन मोहन की मुख से न बोलो जात सजनी निंदिया न आई सारी रात कैसी बजाई तूने बांसुरी निंदिया न आई सारी रात मोहे निंदिया न आई सारी रात कामदेव के साथ भी यही घटना है हरे बांसु की बांसुरिया ने मन मेरा हर लीनो हरे बांसु की बांसुरिया ने मन मेरा हर लीनो कामदेव की समाधि लगी खड़े खड़े भूल गया कि मैं लड़ने भी आएगा क्यों शुद्ध बुद्ध भूल तन और मन की कैसो जादू कीनो शुद्ध बुद्ध भूल तन और मन की कैसो जादू कीनो तोरी गुजरिया बरसाने की ओरी गुजरी सजनी निंदिया ना आई सारी रात कैसी बजाई तूने बांसुरी निंदिया ना आई सारी रात मोहे निंदिया ना आई सारी रात निंदिया ना सारी रात मोहे निंदिया ना आई सारी रात निंदिया ना आई सारी रात मोहे निंदिया ना आई सारी रात उस बंसी में ऐसी डुबकी लगी कामदेव भूल गया लड़ना भी और यूं ही बंसी हटी कामदेव की मूर्छा खुली और साथ में संपुटोर लगा दिया मेरे ठाकुर ने ओहो
आज तो सामने कामदेव खड़ा है। कहिए कामदेव कैसे आगमन हो गए? ले कामदेव के तो पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई महाराज। क्यों? अरे मैं इससे पहली बार मुलाकात कर रहा हूं और ये तो मेरा नाम भी जानता है। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्यों, क्या स्त्री हो गया? आपका नाम कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे के मुख पे आपका नाम। इसलिए यदि मैंने आपका नाम ले दिया तो कौन सा आश्रय कर दिया? इसलिए कामदेव आपको तो सारी दुनिया जानती है। कहिए कैसे पधारे? का जब मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं कैसे पधारा हूं यहां। का नहीं जानता हूं भले, लेकिन ये तो आपने अपने मुख से ही बताना पड़े कि मैं आपके साथ लड़ने आया हूं। कन्या ने कहा डूब मरो ना यमुना में। क्यों, तेरे को शर्म आती है? तुम इतने लंबे चौड़े और मैं छोटा सा, तेरी मेरी लड़ाई अच्छी लगेगी? गुल्ली डंडा खेलना आता है? कहता नहीं। खेल के देखो। तैरना आता है? चलो तैरे। कौन पहले पार करता है? कदम पे चढ़ना आता है? चलो देखते हैं कौन पहले चढ़ता है। आंख मिचने का खेल आता है? देखते हैं कौन जीतता है। लुकाछिपी का खेल आता है? लका बच्चों जैसी बात करना करने का नहीं है। और महाराज कामदेव का गुस्सा सातवें आसमान पे। ये गुल्ली डंडा की बात करने वाला, ये कदम पे चलने की बात करने वाला, यह होना में तैरने की बात करने वाला, आंख मिचोने की बात करने वाला, ये क्या खाक लड़ेगा मेरे पास? तुमड़ी वाले देव ऋषि नार दुनिया के किसी कोने में मिल जाना, किसी भी लोक में मिल जाना, मैं तेरे को बख्शूंगा नहीं। इतनी बात कही कन्या ने कहा ओहो आपको तो मेरे बाबा ने भेजा है। कौन से बाबा? नारद। हाँ हाँ उसी ने भेजा है मेरे साथ लड़ने के लिए। हाँ का फिर मिलाइए हाथ। क्यों? क्योंकि हम अपने बाबा की बात नहीं टालते, हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते, हम कभी मना करते ही नहीं। इसलिए मैंने तो साफ कह दिया मोर वचन चाहे पर जाए फीको और संत वचन पत्थर कर लीगो। मैं नहीं डालूंगा। क्या आप जानते हैं मैंने ब्रह्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली? क्या अच्छी तरह जानता हूं। ये भी जानता हूं कि भोले बाबा पर विजय की, ये भी जानता हूं। ये भी जान गए हो कि मैं कौन हूं? कि अच्छी तरह जानता हूं। कहते फिर भी लड़ोगे? डर नहीं लगता? कि भले ही डर लगता हो लेकिन जब बड़ों का आशीर्वाद हो तो डर अपने आप निकल जाता हो। इसलिए बाबा ने आशीर्वाद दिया है, हम मना नहीं करें। बोलो कब और कहां लड़ोगे? कामदेव ने कहा तुम ही बताओ कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास रचाएंगे और तुम जितने अपने तरकस के अंदर बाण हो अपने सारे लेकर के आना कामदेव, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा वहां। क्यों? क्योंकि एक दो स्त्री नहीं होगी वहां, 56 करोड़ तो यदुवंशियों की स्त्री होंगी। सिद्ध रूपा, गंधर्व रूपा, नाग कन्याएं, सिद्ध कन्याएं, श्रुति रूपा, ये सारी कन्याएं वहां होंगी और उसमें पुरुष रूप में केवल अकेले हम होंगे। और जितने तेरे तर्कस के अंदर बाण हो सारे छोड़ लेना वहां। यदि तुम जीत गए जो दो दंड दोगे हमें स्वीकार, और यदि हम जीत गए तो वही फैसला हो जाए। काम में और राम में दोनों में लग गई मेरे भाई, और जब लगी ये कह करके चले गए। शरद पूर्णिमा की रात आई वो, तो तुरंत कामदेव ने मेरे ठाकुर ने योग माया को बुलाया। योग माया, इस वृंदावन में सारे लोग समाहित नहीं हो सकते, इसलिए दिव्य वृंदावन का आह्वान करो और उस दिव्य वृंदावन में काम को बढ़ाने के जितने भी साधन हैं दुनिया के
सारे वहां मौजूद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम के साथ कुश्ती है। उसको कोई ये मौका नहीं मिलना चाहिए था कि ये पदार्थ वहां नहीं था काम को बढ़ाने का। दूसरी बात, केवल 12 घंटे की रात ना हो, 6 महीने की रात बना, और ऐसा वातावरण लेकर के आओ कि कामदेव ये ना कह पाए कि ये कमी थी, आइंदा फिर लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बात कही योग माया को, योग माया ने आकर के दिव्य वृंदावन का आह्वान किया, दिव्य वृंदावन का रूप दिया, और उस दिव्य वृंदावन में यमुना के उस पावन पवित्र तट के ऊपर मेरा मुरलीधर खड़ा हुआ, और मुरलीधर ने खड़ा होकर के क्लीम बीज जो कामना को सिद्ध करने वाला मंत्र, कामना सिद्धि का मंत्र है, उसको बंसी में फूका। क्यों? जिस जिस भगत की कामना थी उसी उसको बुलाए, जो मेरे ठाकुर को अर्पण कर चुका था सब कुछ, जो कह चुका था कि तेरा तुझको अर्पण, मेरा ठाकुर कुछ भी नहीं है मेरा, उसको पुकारा। और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। मेरे कृष्ण का नाम ये खींचने वाला कृष्ण गृहीत मानसा। फिर क्या हुआ? आ जगमुरन्योन्यमलक्षमोद्यत सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भागी सारी सखियां जिस रूप में थी, जैसे थी, जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। तुम तो कथा में या मंदिर में भी जाओगे, 10 बार साड़ी को देखोगे, 10 बार बालों की ओर देखोगे, नहीं रे, जब प्यार पनपता है वो तो भाड़ में गए बाल और भाड़ में गई साड़ी, जो मेरे ठाकुर से मुलाकात करने जाना। टाइम कभी ज्यादा हो जाए, 2 बज चुके हैं, चलो क्या हो गया, बाबा जी आएंगे भी तो स्तुति उतु करेंगे, अरे पहला यही तो काम करना चाहिए। लोग जब आते हैं, जब कथा शुरू हो लगी थी, इसलिए पल्ले कुछ नहीं पड़ता, पहले बैठ के स्तुति करो। स्तुति करने से क्या हो जाएगा? क्यों? घर में झाड़ू मारने से क्या हो जाता है बोलो? फिर क्यों सुबह उठ के झाड़ू उठाते हो और करते हो साफ घर को? मत किया करो। ठीक किसी तरह राम का नाम वो झाड़ू है, स्तुति वो झाड़ू है, जब यहां करके बैठोगे जो तुम्हारे शरीर के अंदर गंदगी है, एकदम मेरा ठाकुर आकर के साफ करेगा, और फिर उसमें आकर के विराजमान जो भी बैठेगा। इसलिए ठीक स्तुति के समय ही पहुंच जाओ, कहीं भी कथा चल रही हो, और फिर बैठ करके ध्यान लगा करके स्तुति तो करना, और स्तुति के बाद अनुभव करना अपने आप को कि तू है कहां। मैं नहीं कर रखा, अपना आप अनुभव करना इस बात को। स्तुति करने के बाद फिर देखना तुम्हारा मन डगमगाता कि नहीं डगमगाता है। हाँ, स्तुति के बीच बाद में आओगे फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला तुम्हारा, कुछ कितने भी तुम भक्त हो, पहले बैठ के स्तुति करिए, और स्तुति में ऐसा तल्लीन हो जाइए कि तेरा मन पिघल जाए, आंखों से आंसू निकल आए। ऐसे द्रवित मन को फिर कोई भी रूप दे लो, तुम कृष्ण का रूप दे लो कि राम का रूप दे लो, वामन का रूप दे लो, जो तुम रूप देना चाहो वही दे लो, उसी रूप में मेरा ठाकुर तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाएगा और कथा भर बैठा रहेगा, उठेगा ही नहीं वो। ये देखिए भागी सारी गोपियां, केवल मृत्युलोक की गोपियां नहीं, त्रिभुवन की, रे मुरलिया हरि की, है ना, मचाए हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाए हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाए हरे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाए। कौन कौन दौड़े वृंदावन में बंसी बाजी,
तीन भुवन धुन छाए हो वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुन छाए ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे हे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए हे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाइयो जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाइयो अरे उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी वट पे आई हे मुरलिया हर की मधुवन में धूम क्या धूम मचाई खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई खीर में क्या डालते हो बोलो ना हाँ अरे यहाँ क्या डाला है खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई ओ खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई अरे गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी मत बोराए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए ओ मुरलिया हर की मधुवन में खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई गौ को साग ससुर को भूसी है ना गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी मत बोलाई रे मुरलिया पग में पहुंची जाना पैरों में पहुंची बांध दी वो तो बनती है कलाई में पग में पहुंची हाथों में पायल कानों में नथनी सजाई मैं पहुंची हाथ में पायल कानों में नथनी सजाई ना तुम तो साड़ी ठीक कर लो ऐसे भगवान से मांग क्यों भगवान तुम्हें देखने आ रहा अरे तुम्हें देख तुम्हें नहीं देखता वो तो तुम्हारे भाव को देखता तुम कैसे हो तुम आ जाओ जिस तरह के भी हो देखिए कैसे भाग रही हैं गोपियां कोई श्रृंगार नहीं उल्टा सीधा है सब उलट पुलट है सब पग में पहुंची हाथों में पायल कानों में नथनी सजाई हो पग में पहुंची हाथों में पायल और आगे कमाल देखना कानों में नथनी सजाई अरे नैन महावर कर अंजन कर माने हाथ हाथ में काजल लगा लिया और नैनों में महावर लगा दी जो पैरों में लगाते हैं ना तो कैसा अटपटा लग रहा होगा जरा विचार करियो लाल लाल आंखों में लग जाए हाँ और हाथों में पूरी काले से लगी हो तो कैसे लगोगे पूरा ड्रामा होगा वहाँ ऐसा ही है लेकिन तुम्हारे बाहरी ड्रामे से नहीं घबराते मेरे ठाकुर लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर ड्रामा नहीं होना चाहिए मेरा ठाकुर होना चाहिए हाँ पग में पहुंची हाथों में पायल कानों में नथनी पग में पहुंची हाथों में पायल कानों में नथनी सजाई अरे नयन महावर कर अंजन बिंदी कपोल चिपकाई रे मुरलिया हर की
मधुबन में दूर।